गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह का टाइम है, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया, तो अभी मैंने बर्तन वगैरह भी सभी साफ कर लिया। तो आज जो है दूध फट गया, तो दूध को जो है हम बॉयल कर रहे थे, तो पता नहीं, तो आज जो है दूध फट गया। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी जो है नहीं हो रही है। तो अभी ये दूध है, अभी इसका मैं पनीर ही बना लेती हूँ। ये दूध 1 किलो है, तो ये दूध आज पूरा फट गया, तो अभी मैं इसका पनीर ही बना लेती हूँ। तो अभी ये थोड़ा गर्म है, तो इसको अभी थोड़ा ठंडा करके मैं इसको छान लूँगी। तो अभी ये पनीर को अच्छे से मैंने धो लिया है, अब इसको अच्छे से मैं इसको टाइट करके बांध लूँगी कपड़े में, और फिर इसको मैं इसका ताकि जो है इसका पानी वगैरह भी निकल जाए, फिर इसको मैं किसी भारी चीज़ से इसको दबा कर रख दूँगी, और फिर बाद में पानी निकल जाने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो आज दोपहर को काफ़ी बारिश हुई, पर बारिश होने के बावजूद भी जो है काफ़ी गर्मी है अभी तक। तो अभी कम से कम आज आधा एक घंटा तक जो है बारिश होती रही काफ़ी तेज। तो अभी मैं डिनर में बना रही हूँ चौलाई के पत्तों के पकोड़े, तो इसके लिए मैंने बेसन ले लिया है। तो अब बेसन को जो है फेंट लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। तो बेसन में मैं लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और सभी मसाले जो है मैं ये डाल दूँगी। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी और गरम मसाला, तो इन सभी और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी अजवाइन भी। तो इन सभी जो है मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसमें मैंने नमक और हींग और गरम मसाला भी सब कुछ डाल दिया है। तो अब इसमें पानी मिक्स कर देंगे और एक अच्छा सा जो है गाढ़ा सा बैटर हम इसका तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके जो है हम इसमें पानी डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम और अभी मैं डिनर बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो आज जो है डिनर में मैं बना रही हूँ पकोड़े, तो मैं पकोड़े बना रही हूँ ये चौलाई के पत्तों के। तो इस वो जो है मैंने धोकर रख लिए हुए। तो
तो मैंने बेसन वगैरह भी घोल कर रख लिया हुआ है। ये मैंने पत्ते धोकर रख लिया हुआ और ये बेसन भी जो है ये घोल लिया। कढ़ाई में अब मैं डालती हूँ तेल। तो मैंने पत्तों को काटा नहीं है, इसको मैंने साबुत ही बनाया है। तो आप चाहे तो जो है पत्तों को बारीक काट कर भी आप पकौड़े बना सकते हो। तो मैंने साबुत ही बनाया, तो इस तरह से अगर हम पकौड़े बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी जो है इस तरह से बना कर ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों को जो है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मैं अब आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।